नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमेशा ही नई जानकारियां हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। आज भी एक नई जानकारी ही हम आप लोगों के लिए लेकर आए हुए हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम आप लोगों के लिए जो जानकारी प्रसारित करते हैं वह उपयोगी होने के साथ साथ आप लोगों के जीवन में उसका कुछ न कुछ प्रतिफल अवश्य ही रहे। कहीं ना कहीं वह आपके माध्यम से किसी और के भी काम आ जाए या स्वयं आपके लिए काम वह उपयोगी वह बने। आज आप लोगों के लिए विवाह से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं जो कि आपके संज्ञान में रहेगी, तो हमेशा ही वह जानकारी किसी न किसी के भले में ही कार्य करेगी। विवाह से संबंधित हमारे पास अक्सर पत्रिकाएं आती हैं। विवाह कब होगा, किस उम्र में होगा, कहाँ को होगा, कैसा मिलेगा, ये चीजें तो अलग रहती है, पत्रिकाओं से संबंधित रहती है, लेकिन यह जानकारी पत्रिका से बाहर की है। हमारे ज्योतिष के प्रसिद्ध ग्रंथ ज्योतिष तत्व प्रकाश में बताया गया है कि लड़कियों का जो विवाह है वह सम वर्षों में करना चाहिए और लड़कों का जो विवाह है वह विषम वर्षों में करना चाहिए। ये सम विषम वर्ष क्या है आपको बताएंगे। लड़कियों का विवाह सम वर्षों में करने के लिए कहा गया है। सम वर्ष जैसे 20, 22 वर्ष, 24वां वर्ष, 26वां वर्ष, 28वां वर्ष, 30वां वर्ष, यह सम वर्ष, इनमें लड़कियों के विवाह करने के लिए बताया गया है। और लड़कों का विवाह विषम वर्षों में जैसे 21 है, 23वां वर्ष, 25वां वर्ष, 27वां वर्ष, 29वां वर्ष, 31वां वर्ष, इन वर्षों में करने के लिए बताया गया है। ऐसा करने से सुखी वैवाहिक दाम्पत्य जीवन रहता है और जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कष्ट या किसी प्रकार का कोई गलत प्रभाव जीवन में देखने में नहीं आता है। यानी कि सबसे शुभ स्थिति वाला विवाह बताया जाता है। लड़कों की उम्र विषम वर्ष और लड़की की उम्र सम वर्ष हो, तो यदि सम ही सम हो जाए, विषम ही विषम हो जाए, तो यह शुभ नहीं बताया गया। यह कहीं ना कहीं संबंध विच्छेद कारक या वैवाहिक जीवन में कलह कारक बताया गया है। तो अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि विवाह से संबंधित अन्य प्रश्न, इस चीज पर कोई ध्यान नहीं देता। तो हम आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जिन लोगों के घरों में भी कन्याएं हैं तो वह विशेष तौर पर सम वर्षों में ही उनके विवाह का प्रयास ज्यादा करिए। बाकी अंजल योग की बात होती है, सम वर्ष 20, 22, 24। और जिन लोगों के घरों में लड़के हैं तो उन्होंने विषम वर्षों में ही प्रयास करना चाहिए और संभवतः ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि यह तालमेल बने जिससे कि वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। ज्योतिष तत्व प्रकाश हमारा ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उस पे यह बताया गया है। तो विवाह से संबंधित, क्योंकि यह सीजन ही विवाह का है, विवाह का सीजन तो हर साल चलते रहता है, फिलहाल जानकारी हमेशा बनी रहेगी, तो जो लोग भी देखेंगे उनके लिए यह उपयोगी रहेगी। जिसको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता है उसके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि ऐसे आजकल हम देखते हैं हमारे पास ही कई लोगों के प्रश्न आते हैं, कई प्रकार की चिंताजनक स्थिति बनी हुई है दाम्पत्य जीवन में, कहीं ना कहीं कोई कई तालमेल नहीं बन पाते हैं। तो हमें अधिक से अधिक प्रयास करना चाहिए, मिलान है या इस तरह से हम तालमेल बना लें जिससे कि कुछ नहीं से कुछ तो सही, कुछ चीज़ तो हमारे लिए हक में रहेगी सुखी दाम्पत्य जीवन की ओर। तो जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण है और यदि आप लोगों को पसंद आए तो आगे बढ़ाकर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ज्योतिष से संबंधित जानकारियाँ ही हमारी रहती है, ज्योतिष की अर्पिता से संबंधित जानकारी हम प्रसारित करते हैं। बने रहिए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, तो मिलेंगे ऐसी किसी अच्छी बहुत जानकारी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।